हेलो फ्रेंड्स, 23 तारीख को पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई थी। इसका जजमेंट अब आ चुका है। इस जजमेंट को देखने के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों, इस ऑर्डर में यह साफ लिखा गया है कि पोर्टल के माध्यम से जस्टिस आर सुभाष रेड्डी का जो कमेटी गठित किया गया था, उस कमेटी की देख रेख से ही पोर्टल के माध्यम से अभी फ़िलहाल जिन लोगों का 10,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट है, मतलब जिन लोगों का 10,000 रुपये तक का निवेश है, सिर्फ उनका ही भुगतान किया जाएगा और वो भी सिर्फ पोर्टल के माध्यम से। तो 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश जारी किया है, उस आदेश से बहुत सी बातें सामने खुलकर आ गई है। अभी तक लोगों को मिल रहा था, लग रहा था कि सहारा रिफंड पोर्टल से उनका पाई पाई मिल जाएगा, चाहे उनके निवेश की राशि 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 50,00,000 हो, लेकिन अब यह खुलासा हो चुका है कि धीरे धीरे वन बाई वन ही पेमेंट किया जाएगा। जिस प्रकार से PSCL के मामले में किया गया, पहले 5,000 तक के निवेश वालों को दिया गया, फिर 10,000 तक के, फिर 15,000 और अब 20,000 तक के निवेश वालों को PSCL मामले में भुगतान क्रमवार किया जा रहा है। अब उसी पद्धति को अपनाते हुए सहारा में भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जैसा कि ऑर्डर शीट में साफ लिखा हुआ है कि पहले चरण में सिर्फ जिन लोगों का 10,000 रुपये तक का निवेश था, उनका ही भुगतान होगा और वो भी तब जब सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे और कहीं से भी कोई डिफिशेंसी नहीं सामने आएगी। तो ऐसे में दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब हमारा निवेश लाखों रुपये का है, तो इस तरह से अगर 10,000 रुपये करके भुगतान होगा तो हमारा भुगतान मिलने में कितने साल लगेंगे? इस दोषपूर्ण प्रक्रिया के लिए दोषी कौन है, जिम्मेवार कौन है? और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि यह तो बात हुई हमारे भुगतान की, देर सवेर मिलेगा लेकिन कम मिलेगा अभी संशय है, लेकिन जो दूसरी बात उठकर आ रही है कि जिन लोगों ने एक नेक्सस बनाकर इस घटनाक्रम को अंजाम की दिया, इतना बड़ा घोटाला किया, आखिर उन लोगों को सज़ा कब मिलेगी, उन दोषियों की पहचान कब होगी, क्या इस पर भी कोर्ट कुछ बोलेगा या फिर जांच के नाम पर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल लगेंगे? और जिस प्रकार सुब्रत राय की मृत्यु हो गई, जांच के क्रम में धीरे धीरे जितने दोषी हैं, जितने आरोपी हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी और अंत में किसी को भी सज़ा नहीं मिलेगी इस अरबों रुपए के घोटाले के लिए। तो आखिर जांच प्रक्रिया इतनी शिथिल क्यों है, इतनी धीमी क्यों है? क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक साजिश है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा है कि आखिर क्यों सिर्फ 10,000 रुपये तक के भुगतान वालों को ही, निवेश वालों को ही भुगतान होगा। अगर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितने साल लग जाएंगे। 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पिनक पानी मोहंती वाले केस में 5,000 करोड़ रुपये रिलीज किए थे और कहा था, सरकार को आदेश दिया था स्पष्ट रूप से कि 9 महीने में 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए। सरकार ने जस्टिस आर सुभाष रेड्डी के अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया और उन्हें इस कमेटी को जिम्मेवारी दी गई कि 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए। इसके लिए सहकारिता मंत्रालय ने रिफंड पोर्टल बनाया, लेकिन पोर्टल की सच्चाई यह है कि 11 अप्रैल 2024 तक अब तक इस पोर्टल पर 1,22,00,000 लोगों ने अपने रिफंड के लिए क्लेम किया है। उन्होंने कुल 84,750 करोड़ रुपए, जी हां दोस्तों, 84,750 करोड़ रुपए का क्लेम अब तक इस पोर्टल के माध्यम से किया गया है
और भुगतान हुआ है पिछला लगभग एक साल में सिर्फ 290 करोड़ का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भुगतान की जो प्रक्रिया है कितनी तेज़ी से चल रही है। 99% से ज़्यादा क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। कारण विभिन्न है, कुछ कारण छोटे मोटे कारण। अब इस ऑर्डर से यह बात सामने खुलकर आ गई है कि अभी फिलहाल जिन लोगों का 10,000 रुपये तक का निवेश था सिर्फ उनका ही भुगतान होगा। ऐसे में जब दूसरे चरण का क्लेम लिया गया 19,999 तक तो उनका क्या होगा, फिर उससे ज़्यादा जिन लोगों का निवेश है उनका क्या होगा। तो ये सब सोचने वाली बात है। प्रक्रिया ही कुछ इस तरह से बना दी गई है कि इसका भुगतान होते होते 40-50 साल लग जाएंगे। PACL के मामले में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया गया और आज PACL की क्या स्थिति है, PACL के निवेशकों की क्या स्थिति है, आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। तो सभी सहारा के निवेशकों को इस प्रक्रिया का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया एक तो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी फंसाने वाली है और इस प्रक्रिया के द्वारा भुगतान मिलने की संभावना बहुत ही कम है। ऐसे में यह बात खुलकर सामने आ रही है कि यदि सहारा के ऑफिस से ही सहारा के निवेशकों को भुगतान किया जाए तो यह प्रक्रिया सबसे सरल और सुगम होगी तथा शीघ्र अतिशीघ्र सहारा के निवेशकों को भुगतान भी प्राप्त हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि आखिर सरकार सहारा के ऑफिसों को क्यों नहीं खुलवा रही है और सरकार सहारा के ऑफिस से ही भुगतान की प्रक्रिया क्यों नहीं अपना रही है, यह भी एक सोचने वाली बात है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर लोअर जुडिशरी में सरकार और सहारा मैनेजमेंट आपस में मिले हुए दिखते हैं, बार बार दिखते हैं, चाहे बात सुंदरगढ़ वाले केस की हो जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कुर्की जब्ती के नाम पर खानापूर्ति की और बहाना बना दिया कि वहाँ कोई रहता नहीं है, स्वप्ना राय नहीं रहती है, उसी प्रकार हाई कोर्ट के बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो, सिर्फ जांच के नाम पर तारीख मिलती है। SFIO हो, इनकम टैक्स हो, SEBI हो, पिछले 10 से 12 साल से सिर्फ जाँच कर रही है और जाँच का रिपोर्ट आज तक कोर्ट में जमा नहीं हुआ और हमारा कोर्ट भी है जो पूछता नहीं है कि आखिर आपकी जांच कब ख़त्म होगी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर यह साफ दिखता है कि सहारा मैनेजमेंट, SEBI, SFIO और यहां तक कि कोर्ट की कार्रवाई भी काफ़ी संदिग्ध प्रतीत होती है, क्योंकि कोर्ट तो वही करेगा जो अधिवक्ता करेंगे और जो दोनों पक्षों के अधिवक्ता हैं कोर्ट में ऐसे पेश होते हैं जैसे उनकी मिली भगत हो। सहारा SEBI के मामले में भी सहारा के एडवोकेट और SEBI के एडवोकेट दोनों आपस में मिलकर मेंशन करके, ओरल मेंशन करके लंबा डेट ले लेते हैं सितंबर का और बाकी पार्टियों को इसकी भनक भी नहीं लगती। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो ऐसे में यह सोचना होगा कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है इस तरह से सिर्फ 10,000 का ही भुगतान क्यों हो रहा है और ऐसे करके कब तक हमारा भुगतान सुनिश्चित होगा, कहना काफ़ी मुश्किल है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर कि आखिर इतना बड़ा अरबों रुपए का घोटाला हुआ लेकिन अभी तक पिछले 10 से 12 साल में इस घोटाले के नाम पर किसी को सज़ा क्यों नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। कुछ दिनों के लिए सुब्रत राय जी को गिरफ्तार किया गया था लेकिन जैसे ही केंद्र में मोदी सरकार बनी उन्हें तुरंत बेल दे दिया गया और SEBI ने जो सहारा की प्रॉपर्टी को जिसने जब्त किया था वो उस पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं। सहारा के अभी भी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है जिस पर SEBI और कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि सहारा के सभी संपत्ति को SEBI ने जब्त किया है जबकि सच्चाई कुछ और है। ऐसे में पिछले 10 से 12 सालों से SFIO हो या फिर SEBI हो या फिर इनकम टैक्स हो, ये लोग सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं। ये कैसा घोटाला है कि पिछले 12 साल से सिर्फ जांच चल रही है। कोर्ट भी इस मामले में कहीं ना कहीं
अपना रुख काफ़ी नरम किए हुए हैं, क्योंकि अगर 12 साल से इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच कर रही है तो कोर्ट को भी पूछना चाहिए कि आखिर आपकी जांच की कौन सी प्रक्रिया हो है जो इतनी धीमी चल रही है। जब मामला अडानी की जांच का आता है तो यही से भी 6 महीने में अडानी की कंपनियों की जाँच करके NOC सुप्रीम कोर्ट में जमा कर देता है, लेकिन जब मामला गरीब सहारा निवेशकों के मामले में जाँच की आती है तो यही से भी 12 सालों से जाँच कर रहा है और यह जांच की प्रक्रिया चल ही रही है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में साफ दिखता है कि सरकार और सेबी नहीं चाहती है कि जांच प्रक्रिया खत्म हो और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो, दोषियों को चिन्हित किया जाए। अभी तक तो फिलहाल दोष कौन कौन सही में दोषी हैं, किन किन लोग कौन कौन से लोग अपराधी हैं जिन्होंने इतने लोगों के साथ छल किया, उसका भी पता नहीं चल पाया है। तो ऐसे में बहुत ही कम उम्मीद है कि असली दोषियों को सजा सरकार देना चाहती है दिलवा पाएगी। सरकारी प्रक्रिया काफ़ी उलझी हुई लग रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार लोकसभा चुनाव में यदि सत्ता बदलती है तो नई सरकार कहीं ना कहीं सहारा के ऊपर कड़ा शिकंजा कसेगी और आम निवेशकों के हित में कोई कड़ा फैसला लेगी। तो ऐसे में आप सोच समझ कर मतदान करें और एक बार यह ज़रूर सोचें कि पिछले 10 साल से जिसकी सत्ता है आखिर वो सहारा के निवेशकों को 10 साल में न्याय क्यों नहीं दिला पाया। आज तो वो न्याय यात्रा निकाल रहा है, आज तो वह अपना परिवार सबको बता रहा है, लेकिन क्या सहारा के 13 करोड़ निवेशक उसका परिवार नहीं है? आज हर चीज़ की गारंटी दी जा रही है सत्तासीन व्यक्ति के द्वारा, लेकिन सहारा के भुगतान की गारंटी के नाम पर वो मौन क्यों हो जाता है? एक सवाल आप लोग वोट देने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि आपकी गारंटी पिछले 10 साल से किसने रोक के रखी है और आप क्या उसके परिवार नहीं हैं जो आपको तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इन मुद्दों पर ज़रूर सोचेंगे और किसी न किसी हल तक ज़रूर पहुँचेंगे।